आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। बुधवार को रामगढ़ताल क्षेत्र में हुई अंकुश शुक्ला के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर किया हाईवे जाम। सूचना पर पहुंचे एडीएम सिटी व एसपी सिटी ने परिजनों को समझा बुझाकर खुलवाया जाम। कहा 48 घंटे के अंदर होगी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव 28 नवंबर को होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के तैयारियों की समीक्षा। कहा परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए किए जाए विशेष इंतजाम, सकुशल संपन्न कराएं परीक्षा। भारत सरकार के संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ भाजपा मंडलीय व्यापारी सम्मेलन। कहा यूपी में बह रही है भाजपा की बयार, एक बार फिर बनेगी योगी सरकार। जिलाधिकारी और एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। कहा अपराध और अपराधियों पर रखे नियंत्रण। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के दिए निर्देश। भाजपा महिला मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित हुआ नारी सशक्तिकरण कमल शक्ति संवाद अभियान कार्यक्रम व प्रबुद्ध वर्ग महिला सम्मेलन। मुख्य अतिथि ने कहा डबल इंजन की सरकार में आधी आबादी को मिल रहा है सम्मान, बन रही है आत्मनिर्भर। नगर निगम द्वारा जीडीए गेट के पास कराई जा रही सफाई व्यवस्था का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। कहा सफाई अभियान के माध्यम से महानगर को बनाया जाएगा स्वच्छ और साफ सुथरा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, निस्तारण के दिए निर्देश। संविधान दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि विभाग में किया गया रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। विधि संकाय अधिष्ठाता ने कहा विजय प्रतिभागियों को किया जाएगा सम्मानित। गुरुवार को जनपद में 298 केंद्रों पर कुल 33,174 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,198 और सेकेंड डोज लेने वालों में 25,976 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित हुआ छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित कार्यशाला। दी गई छात्रवृत्ति वितरण संबंधित जानकारी।